हैरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले फूल को हमें चिकना बनाना है, इसलिए हाथों के हथेलिए से हम इसे मस लेंगे। हमारे दो में अभी एक टेबलस्पून पानी और जाएगा। 1 टेबलस्पून ऑयल को हम दो के ऊपर डालेंगे और बराबर से मस लेंगे ताकि हमारा दो और भी चिकना हो जाए। ये दो को हमें रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, हम इंस्टेंट ही चॉकलेट पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, इसलिए 10 मिनट हम इसी तरीके से रहने देंगे। वो तैयार है, हमारा ये चॉकलेटी पिज़्ज़ा बनाने का डोर रेडी है। आज हम बिना ओवन बनाने वाले हैं, इसलिए हम अपनी कढ़ाई तब तक के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। दोस्तों, ये कढ़ाई हमने गैस पे ऊपर रख दी है, इसमें ये जार रखी हुई है और गैस का बटन हम ऑन करते हैं। हीट को हम मीडियम और लो के बीच में ही रखेंगे। इसके ऊपर हम ये कढ़ाई के ऊपर ये हम एक बर्तन रख देते हैं ताकि 10 मिनट ये प्री हीट होता रहे। तब तक हम हमारा पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, पिज़्ज़ा का बेस हम जिस जगह पर फैलाने वाले हैं उस जगह को पहले हम साफ करके से साफ कर देते हैं और डस्टिंग के लिए थोड़ा सा मैदा छिड़क देते हैं। मैदा लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस है वो नीचे चिपके ना। ये मैंने ले लिया है पिज़्ज़ा का डो, पिज़्ज़े के डो को
हाथों की मदद से या बेलन की मदद से इस पे हम पिज्जा करने वाले हैं। उस पे एक प्लेट पे हमने बटर की मदद से ग्रीस कर लिया है और इसको अब हम इस पे रख देंगे। और हाथों की मदद से ये चारों कोनों को चिपका देंगे। फॉर्क की मदद से अंदर काना काट देंगे ताकि हमारा ये पिज्जा बेस फूले नहीं। इसको हम 10 मिनट के लिए साफ तरीके से ढक लेंगे और रेस्ट करने के लिए रख देंगे। दोस्तों 10 मिनट हमारा हो गया है। अब हम ये कटका इधर से उठा लेते हैं। जबकि हम चॉकलेट पिज्जा बनाने वाले हैं, इसलिए इस पर आप चॉकलेट स्प्रेड भी कर सकते हैं या चीज भी लगा सकते हैं। मैं इधर चीज लगाने वाली हूँ। मैंने इधर अमूल की जो क्यूब आती है छोटी सी वो ली है और मेरे पास बड़ी वाली डेरी मिल्क नहीं थी, इसलिए मैंने छोटी वाली 2 डेरी मिल्क ली है। चीज को हम अब कद्दूकस कर देंगे और पिज्जा बेस पर फैला लेंगे। अगर आपको चीज ना पसंद हो तो आप इस पर न्यूट्रेला या तो जो हर्सीट का चीज चॉकलेट सिरप आता है वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। जब हमने चीज को फैला दिया है, चॉकलेट को भी इसी तरीके से हम छीन देंगे, कद्दूकस कर देंगे। चॉकलेट का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। मैंने इधर 2 डेरी मिल्क का यूज किया है। आप चाहे तो आपके टेस्ट के अनुसार आप एक भी डेरी मिल्क का यूज कर सकते हो। दोस्तों इसमें मैंने चॉकलेट चिप्स का भी यूज किया है। अगर चाहो तो आप डाल सकते हो और ना चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इसी तरीके से हम थोड़े आजू बाजू और चॉकलेट चिप्स भी फैला लेंगे। आप चॉकलेट चिप्स के बिना भी बना सकते हो। अब कढ़ाई में रख देते हैं। हमारी कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसमें ये प्लेट रख देते हैं और अब हम ये